हे गुड फैमिली, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक दिन अदर न्यू ब्लॉग। सो गाइस माय नेम इज वीर एंड यू आर वाचिंग हरिवंश ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप सभी मस्त होंगे और हाँ हमेशा मस्त ही रहना। सो गाइस अभी आप लोगों को बैकग्राउंड काफी नई से दिख रहे होंगे, तो या गाइस मैं बता दूं कि अभी मैं गोमो में नहीं, अभी मैं लड़का खाना में अपने बड़े पापा के घर में, और ये पता नहीं कुत्ता क्यों भूख रहा है। तो गाइस और मैं कल ना यहाँ से जाने वाला हूँ, तो मैं सोचा क्यों ना आज आप लोगों को पतरातु डैम दिखा दूँ, जो यहाँ से अप्रोक्स 20 से 26 किलोमीटर के दायरे पे है, और ये जगह काफ़ी फेमस भी है पिकनिक विकनिक के मामले में भी, और मैं अभी कभी गया नहीं हूँ वहाँ पे घूमने के लिए, तो मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, और जो व्यूअर्स हैं उसके लिए भी हो सकती है। तो गाइस चलो देखते हैं क्या कुछ है वहाँ पे देखने और आप लोगों को दिखाने लायक। सो यार वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, तो मिलते हैं वीडियो पर। चलो बाकी गाइस अभी मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ अभी इधर पीछे साहिल भी है और भैया भी जा रहे हैं, जो अभी हवा डलवाने के लिए गए हैं बाइक पे। बाकी वो आते तो उनसे भी आप लोगों को मिलवा देता हूँ। चलो बाकी गाइस मौसम बेमान सी हो रखी है, बस डर ये कि बारिश ना आ जाए। तो ये रहे गाइस हमारे भैया हवा डलवा के आ चुके हैं, ये भी अपना नाम बता दें व्लॉग में। अगर इनको आप शिवम कुमार, और आज मैं अपने भाई के साथ आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि पतरातु डैम जो है किस प्रकार से। हमारा मेन गाइड यही है जो आप लोगों को वहाँ का टूर देंगे, आप लोगों को वहाँ पहुँच करके मिलता हो। चलो अभी हमें यहाँ से बारिश मिलना स्टार्ट हो चुकी है। मौसम देख सकते हो पूरा भयंकर काला करके रखा हुआ, बस रास्ते में हमें बारिश ना घेर ले। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के पास। अब यहीं से इंटर करने का रास्ता है, अभी अंदर चलते और देखते। सो गाइस ये है इधर की पार्किंग, अभी भैया उधर पार्किंग कर रहे हैं। को यहाँ पे इंटर करने के लिए यहाँ पे पहले टिकट लेना पड़ेगा।
तो गाइस पर टिकट की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 20 रुपये करके आया है ना, तब जा करके आपको यहाँ पे इंटर करने का परमिशन मिलेगा। और बाकी गाइस व्यू चेक करें आप। देख रहे हो गाइस यहाँ पे सारा बिल्कुल पार्क टाइप का बना हुआ जहाँ पे आप फुल मजे ले सकते हो। आगे और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो गाइस अभी इसमें हमारे भैया चढ़ के दिखाएंगे। मजे करने के लिए फुल मस्त सी जगह है, देख रहे हो यहाँ पे। और भी आप जो MTV में रोडिस में देखते हो ना, वो सब आप यहाँ पे आकर के कर सकते हो। ये सब में आप बंदरों वाले हरकत कर सकते हैं। बाकी गाइस काफ़ी सही मज़ा आ रही है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। और मज़ा को बढ़ाने के लिए और मस्त सी हल्की हल्की बारिश और इस टाइप का मौसम, और मज़ा आ रहा। अब हमारे भैया गाइड करेंगे। जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हो लोकेशन, ये बहुत ही प्रकार के बहुत सुंदर हैं। और जितने भी अभी देख रहे हैं आप यहाँ पे, एक से एक नागपुरी सॉन्ग और एक से एक भोजपुरी बॉलीवुड सब पिक्चर गाने बनते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आके शूटिंग भी होता है उसके। तो गाइस अच्छी तरह से देखें, और देख के अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप अपना एल्बम खुद का बनाना या कुछ कंपोज करना चाहते हैं यहाँ पे आके, तो बेशक कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन है, मैं इसके आगे और भी दिखाऊंगा। पर भैया हमें पहले वहाँ पे चढ़ के दिखाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग उस लोकेशन में भी जाने वाले हैं, उस लोकेशन पे। ये सब गाइस सच में बहुत ही सुंदर जगह है, बट कैमरे में इतना जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, कैमरे के साथ जज मत करना, सच में बहुत अच्छी जगह है ये। ये जगह गाइस काफी लंबी चौड़ी है, इसीलिए अगर यहाँ घूमने आना हो तो जल्दी आना, वरना टाइम कब बीत जाएगी पता भी नहीं चलेगा और अच्छे से घूम भी नहीं सकोगे। बाकी ऐसा हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ये तो घूम चुके हैं पता नहीं कितने बार, लेकिन फर्स्ट बार ही आ रहा हूँ, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा। साथ में धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। ये तो अपोजिट साइड है, अभी और भी जगह बचे हुए हैं और आगे देखना है, घूम कर देखें, क्योंकि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है ये, और आप घूमते घूमते टाइम कब गुजर जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए जब भी आओ आप मॉर्निंग टाइम पे आओ ताकि आप फुली घूम पाओगे। गाइस वो लोकेशन आप देख लें, उस जगह का मैं क्या बात बोलूँ, अगर आप देखोगे मैं कुछ देर में आपको वो लोकेशन दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वहाँ पे वातावरण है और किस प्रकार से वहाँ का लोकेशन है,
बहुत ही जबरदस्त है, आप देखोगे तो वहाँ पे जरूर आप आना चाहोगे। तो गाइस अभी हम लोग कुछ देर के बाद उस लोकेशन के पास भी जाएंगे, बाकी ये जो रूल्स यहाँ पे इनका जरूर फॉलो करें। और ये सब गाइस जो आप लोग करते हो, आपने आप लोग जैसे हमारे जैसे बहुत सारे करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत गलत है। इतने अच्छे प्लेस में आकर के आप ये सब कर रहे हो तो गाइस बहुत बुरी बात है। गाइस बताना चाहूंगा, ये एकदम उस कोने की साइड में नजर आपको शायद नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि स्टार्ट उस कोने से होती है और वो हमारा जहाँ पे पानी देखे होंगे अभी थोड़ी देर में गिर रहा था, तो वो हमारा बीच का जगह है और अभी बहुत सारे बाकी हैं जगह जो कि दिखाना चाहूँगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ऑसम हैशटैग पतरातू। बाकी गाइस आप लोग बोटिंग के भी यहाँ पे सही मज़े ले सकते हो। और ये जो यहाँ से जो आप लोग को पहाड़ वाली व्यू नज़र आ रही है ना, सच्ची में गाइस बहुत ही नेक्स्ट लेवल। लेकिन खूबसूरती आप यहाँ पे आ करके अनुभव करोगे ना, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और गाइस बोटिंग की जो प्राइस है वो तकरीबन हर एक पर्सन के लिए कितना, 150 तकरीबन 150 रुपये है। और अभी हम जहाँ पे चल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबी जगह है, पूरे यहाँ से जाकर के वैसे जाती है, देख लो। पता नहीं उससे भी आगे हो सकती है शायद। सो गाइस आप लोग वहाँ देख रहे हो, वो हम लोग गाइस वहाँ से होकर के आ रहे हैं और अभी भी हम लोगों को वहाँ तक जाना है। दो किलोमीटर तकरीबन अभी भी बचा हुआ। तो गाइस ये जगह तो आपने देख ली, अब आप लोगों को वो पहाड़ वाले लोकेशन के पास लेकर के चलता और उधर का भी सीन दिखाता हूँ। एक्चुअली गाइस ना ये जगह सच में बहुत ही बड़ी है, आपको वीडियो में अच्छे से पता नहीं चल रही होगी इस जगह के बारे में, लेकिन आप यहाँ पे आओगे ना तो आप लोगों को अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। बाकी चारों ओर सिर्फ पहाड़ और बादल ही नजर आ रहे हैं। तो चलो अब मिलता हूँ आप लोगों को पार्किंग के पास। तो गाइस आप इस लोकेशन को भी बाय बाय करते हैं, काफी मजा आया यहाँ पे भी।
फाइनली गैस हम लोग ऊपर पहुंच ही गए। हमारी बाइक गैस बहुत स्ट्रगल कर रही थी यहाँ पे चढ़ने के लिए, और यहाँ का मैं दिखाता हूँ व्यू, क्या व्यू है गाइस, चेक करो आप। गाइस कैसी लग रही है ये रोड, काफी यहाँ पे देख रहे हो गाइस, पूरा मेला लगा रखा है भाई इधर मस्त। लेकिन हमें तो लग रहा था कि हमारी बाइक यहाँ तक चढ़ भी नहीं सकेगी, लेकिन खींच ली भाई उसने तो। बाकी गाइस व्यू कैसा है यहाँ का कमेंट करके जरूर बताना, और मैं सोच रहा हूँ अपनी निराली गाइस उसे भी यहाँ पे लेकर के आने के लिए। आप लोग कमेंट करके बताना आपको यहाँ का पार्ट टू भी ब्लॉग चाहिए निराली के साथ, तो कमेंट ज़रूर करना, हम ज़रूर लाएंगे और इससे भी और भी जगहों का यहाँ पे एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। बाकी आप जो नए व्यूवर्स हो तो इस चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह से रिलेटेड और भी मस्त मस्त कंटेंट आगे आने वाले हैं। बाकी आप लोग गाइस इंजॉय करो, जा रहे हैं नीचे साइड और देखते हैं रास्ते में कुछ मिले खाने के लिए तो खा लेते हैं, क्योंकि हम खा के कुछ नहीं आए। जोर से भूख भी लग रही है गाइस, भूख के मारे इसके आवाज भी नहीं कर रहा मुझे गाइस, इसीलिए मार्क्स हटा करके बात नहीं कर रहा। तो चलो गाइस मिलते हैं नीचे। वेलकम बैक गाइस, जैसा कि मैंने आपको पूरे वो दिख रहे हैं वहाँ तक का मैंने अभी तक आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ। ये आपके इस हमारे डैम का जो है वो अपोजिट साइड है, जो कि अपोजिट साइड दिखा के उसके बाद मैं आगे इसको बढ़ाता हूँ, और बाकी हमारे जो भाई हैं जो धनबाद से आए हैं तो वो आगे आपको बताएंगे। ओके सो गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था और अभी आपको भैया ने भी बताया कि ये जगह काफ़ी बड़ी है, जैसा कि आप देख सकते हो वहाँ से वो जो हमने आप लोगों को दिखाया था वो वहाँ से लेकर के हमने इसके अपोजिट साइड पे एंड किया था, और अभी हम लोग उस लोकेशन से आ रहे उधर से आकर के हम लोग आपको इस साइड से दिखा रहे हैं। अभी आप इसे अनुमान लगा सकते हो कितना बड़ा क्षेत्र है ये,
बाकी गाइस जो यहाँ से झरना बह रही है नीचे, मैं आप लोगों को इसका भी व्यू दिखाता हूँ नीचे से जा करके। चलो तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन के पास। मैं आप लोगों को वो जो हम गए थे वाटरफॉल के पास, उसी का सीन मैं सामने से दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। बाकी गाइस होप करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और हाँ वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो यार गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। तो यार गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। और हाँ हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और दूसरों को भी हंसाते रहे। बाकी गाइस आप लोगों को इस जगह के बारे में पार्ट टू में ब्लॉग चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ज़रूर लाऊंगा। ठीक है, चलो बाय। तो गाइस अभी हम लोग फोटोज क्लिक करने के लिए नीचे आए हुए हैं, लेकिन पानी की स्मेल ना बहुत गंदी आ रही है।